कलियुगी आयो कालो धोलो और उनी रो मुंडो बाले आ गौ माता जावे कटनी में और लोग कुत्ता ने पाले बोले कि कलयुग आयो कालो धोलो उनरो मुंडो बाले और या गौ माता जावे कटनी में और लोग कुत्ता ने पाले। पहला जमाना में आपा कन्नी घरे जावता तो घर बारे लिखी ओड़ो तो पदारो सा। फिर समय बदल गया, लिखा गया सुस्वागतम, थोड़ा समय बदल गया वेलकम, और आज हर घर के बाहर सिटी बड़े बड़े शहरों में लिखा होता है कुत्ते से सावधान। गाय पालने की औकात नहीं और कुत्ते लोग पाल देते साहेब, ये भारत की संस्कृति ऐसे लोग बदल रहे हैं। प्रतिदिन 82,000 गाय इस भारत में काटी जाती है और 10 करोड़ गोधन अपने भारत में है। 39,000 कत्ल खाना को तो ब्रिटेन सरकार ने लाइसेंस दे रखा है और अवैध में कितने चलते हैं उनका पता भी नहीं है। मित्रों, अगर कोई मोर को मारता है तो उसको सजा होती है, अगर कोई हिरण को मारता है तो उसको सजा होती है, अगर कोई शेर को मारता है तो उसे सजा होती है, परंतु इन तीनों पशु पक्षियों में से एक भी जीव ऐसा नहीं जो दूध देता है और सदियों से अपने परिवार को पालने वाली ऐसी गौ माँ के लिए आज भारत में कोई कानून नहीं, भारत में कोई संविधान नहीं। जिस गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उस गाय को तो भारत का राष्ट्र पशु होना चाहिए। और आप अगर इस प्रकार खामोश रहोगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। भाई साहब रमेश जी बैठे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, परंतु भजन गाने से कुछ नहीं होगा, भजन सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर गाय की भक्ति में आगे बढ़ना है तो इनका साथ देना पड़ेगा और आप और हम सब एक जगह एक संगठन के रूप में खड़े होकर गौ की सेवा में आगे बढ़ेंगे, तभी भारत की गाय हत्या रुक सकती है मित्रों, वरना नहीं। दिल्ली के उस दरबार में जहां बना अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ी घंटी लगी रहती थी, अगर कोई जाके उस घंटी को बजाता था तो 24 घंटे के अंदर उसकी मुराद पूरी होती थी। मित्रों, एक दिन क्या हुआ, एक गाय वहां पहुंची, उस गाय ने उस घंटी की रस्सी के अंदर सिंग डाल के घंटी को बजा दिया। जहां बना अकबर ने पूछा कि भाई कौन आया, जाओ कौन फरियाद लेके आया है, एक दूत को भेजा। दूत गया जहां बना, ये तो हिंदुओं की गाय है। जहां बना ने पूछा कि भाई गाय ने घंटी क्यों बजाई, ऐसी क्या पीड़ा हो सकती है, तो बहुत सुंदर और सुशील एक कवि गढ़वी चारण वहां बैठा था। और उस कवि ने क्या कहा, अगर आपको अच्छा लगे तो ताली बजाना, नहीं तो मैं यही पूरा कर दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। उस कवि ने कहा कि हे बना, ये गाय ऐसे कह रही है, इस गाय के मन के भाव है। जहां बना ने पूछा क्या, गाय कहती है कि मैं नंद के वाड़ा में रहती, मैं नंद के वाड़ा में रहती, मने खूंटाती छोड़नी नहीं थी, और मने खूंटाती छोड़ी तो तमे भले छोड़ी, मुझे कोई गम नहीं, पर मुझे कचाई खाने वेचवी नहीं थी, मुझे कचाई खाने वेची तो तमे भक्तों भले वेची, पण मारी गर्दन कपावी नहीं थी, और मारी गर्दन कपावी तो भी तमे भले कपावी, पर मने चूले चढ़ावणी नहीं थी, मने चूले चढ़ावी तो भी तमे भले चढ़ावी, पण मने भाणा में परोसवी नहीं थी, अरे मने भाणा में परोसी तो भी तमे भले परोसी, मने मुंडा में जीमवी नहीं थी। और गाय क्या कहती है, अरे मुझे मुंह में जीम लिया, मने मुंडा में
जीमी तो भी कोई फर्क नहीं, परंतु पहले मुझे मां कहनी नहीं थी, पहले मुझे मां कहनी नहीं थी।